हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रिया और स्वागत है आपका प्रियास किचन में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी सर्दियों के लिए स्पेशल एकदम कड़क बिना फटे गुड़ वाले चाय की रेसिपी। तो वीडियो के एंड तक जुड़े रहिए फ्रेंड्स, और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं जो भी नए वीडियो डालूंगी उनके सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले मैंने गैस ऑन किया है, उस पर मैंने एक पतीला रखा है। एक कप मैंने यहाँ पे पानी लिया है और दो कप मैंने यहाँ पे दूध लिया है। तो चार चम्मच मैंने यहाँ पे चाय पत्ती ली है। तो आपको जिस तरह से चाय पसंद है, नॉर्मल पसंद है या स्ट्रांग पसंद है, तो उसके हिसाब से आपको चाय पत्ती लेनी है। तो मुझे ज़्यादा स्ट्रांग पसंद है, इसलिए मैं यहाँ पे चार चम्मच ले रही हूँ। तो आपके हिसाब से ले सकते हो कम ज़्यादा। तो यहाँ पे मैंने इलायची, लौंग, काली मिर्च और दालचीनी का एक टुकड़ा लिया है, तो उसे हमें कूट लेना है। तो इसको इस तरह से कूट के मैं डाल रही हूँ चाय में। अदरक लिया है मैंने यहाँ पे, तो अदरक को इस तरह से कद्दूकस करके डालना है। तो यहाँ पे हमारी चाय को एक बॉईल आ चुका है, तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। तो इस तरह से चम्मच से इसको मिक्स करना है। तो अच्छे से हमें इसको उबाल लेना है। तो अब हमारी चाय अच्छे से उबल गई है। तो अब आप देख सकते हो फ्रेंड्स, अब हमें गैस बंद करना है यहाँ पे, और गैस बंद करने के बाद ही आपको इसमें गुड़ मिलाना है। तो आप देख सकते हो इस तरह से, आपको जिस तरह से मतलब पसंद है मीठा या फीका पसंद है, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे गुड़ ले सकते हो। तो गैस बंद करने के बाद ही आपको यहाँ पे गुड़ डालना है, और अब इस तरह से चम्मच से आपको जो गुड़ है वो अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो अगर आप गैस ऑन रख के अगर गुड़ डालते हो तो चाय फट भी सकती है, तो इसलिए ये बात यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि आपको गैस बंद करके ही इसमें गुड़ डालना है। तो यहाँ पे हमारी जो गुड़ है वो अच्छे से चाय में मिक्स हो चुके हैं। तो अब हमें गैस ऑन करना है, और गैस ऑन करने के बाद में चाय को अच्छे से एक उबाल हमें आने देना है। और आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी चाय को उबाल आ चुका है, और अब हमें गैस बंद करना है। तो अब आप देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी गुड़ वाली कड़क चाय बन के रेडी है। तो अब हम इसे छान लेंगे। तो इस तरह से हमने हमारी गुड़ वाली चाय बना ली है फ्रेंड्स। तो सर्दियों में बहुत ही फायदेमंद रहती है ये चाय पीना। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड्स, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं जो भी नए वीडियोज़ डालूंगी उनके सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। तो फिर मिलेंगे फ्रेंड्स ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।